लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है आप लोग? आशिक लोग हैं, अपनी माशुकाओं की तलाश में आए हैं। क्या बेहूदा बकवास कर रही हैं? निकल जाओ यहाँ से। ये घटिया डांस हमको नहीं चाहिए, हमको कोई सेक्सी डांस। सेक्सी डांस? बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से। शट अप। अबे ओ मास्टर, ज्यादा बकवास की तो पेट से हथौड़ा निकाल डालूंगा, चल पीछे। अबे मधु, टेप चालू कर। हाय डार्लिंग। देखिए, मेरा नाम आशा है, मैं नटराज नंदशाला से 46 मजिस्ट्रिक से बात कर रही हूँ। कुछ गुंडे स्कूल में घुस आए हैं और लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। प्लीज आप जितने जल्दी हो सके आ जाइए। ओके, कैमरा डुकरू, मूछ का बाल निकला नहीं, शुरू हो गया आराम कारी करने। नाचने के बाद शौक है? चल तेरे को पुलिस के म्यूजिक पे डांस कराता हूँ। चल से कौन हो? मेरे चाचा एमपी हैं, मुझे गिरफ्तार किया ना, उनसे कह दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे चाचा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? हाँ। क्या नाम है भाई तेरे चाचे का? नाम बोल भाई चाचे का। साले दोबारा चाचा का नाम लिया ना, तो इतना मारूंगा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या मैडम फूलन देवी, आपने मुझे बचाया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। ढूंढिएगा भी मत। आपने वक्त पर फोन करके कानून की मदद की और मैंने यहां आकर के अपनी ड्यूटी निभाई, इसलिए किसी का किसी पर एहसान नहीं है। हाँ, मुझे आपका नाम और पता चाहिए होगा, पुलिस स्टेशन आकर के रिपोर्ट लिखवानी होगी। मेरा नाम आशा है, मेरे पिताजी इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर सीताराम हैं। मेरा फोन नंबर 74056। थैंक यू। आशा? यस डैडी। आर यू ऑलराइट? हाँ, क्यों? पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए मुझे खबर मिली कि कुछ गुंडों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, सुनकर मेरा तो खून खोल गया। मैं उन बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा उनको। अब कोई जरूरत नहीं डैडी, अमर ने उनकी खूब पिटाई की और लॉकअप में बंद कर दिया। अमर? हाँ डैडी, अमर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है, ऐसी पिटाई की कि नानी याद आ गई उनको। थैंक गॉड। आओ बैठो। डैडी, अमर बहुत अच्छा आदमी है और बातें ऐसी करता है कि इंसान का दिल मोह लेता है। ही इज अ यंग हैंडसम पुलिस ऑफिसर, मैंने आज तक ऐसा बहादुर पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। सेक्रेटरी, आज मेरा प्रोग्राम क्या है? अरे छोड़ो ना प्रोग्राम को डैडी, अभी आए हो, एक दो मिनट मेरे पास भी तो बैठो। देखो डैडी, आज कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना। तो, कोई खास बात है? हाँ, खास बात तो है, आज मैं अमर को खाने पर बुलाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गुड हेवंस गर्ल, सीताराम का घर देखो, एक पुलिस इंस्पेक्टर की दावत देखो, यहाँ एमएलए एमपी मिनिस्टर्स आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं। बुलाने से पहले आने वाले का स्टेटस देखना, रुतबा देखना। मैं आईजी से कहकर उसे थैंक्स कहलवा दूंगा। पहली दफ्तर के फाइल्स निकालिए। डैडी की पार्टी का नाम है गरीबों की पार्टी, भाषण देते हैं ऊंच नीच अमीरी गरीबी के फर्क को मिटा दो, खुद की बारी आती है तो अपना सबक भूल जाते हैं।
मुंह में राम पगल में छुरी। हेलो, क्या इंस्पेक्टर अमरनाथ बोल रहा हूँ? मैं आशा बोल रही हूँ। वो जो उस दिन डांसिंग स्कूल में गुंडे घुसाए थे, उसने कुछ साथ मेरे घर में घुसाए हैं। उन्होंने एक आदमी का खून कर दिया, अब वो मुझे मार डालना चाहते हैं। देखिए, मैं घर में अकेले हूँ, प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। मैं भी आ रहा हूँ। सारी कारस्तानी आपकी थी? क्या करें, आपकी नजरें इनायत पाने के लिए ऐसी कारस्तानी करनी पड़ती है। चाय पर बुलाओ तो तुम नहीं आते, खाने पर बुलाओ तो तुम्हारे पास वक्त नहीं। मैंने सोचा पुलिस वाले को दावत देना हो तो खून के बहाने बुला लेना चाहिए। खून? कहाँ हुआ खून? लाश कहाँ है? खून हुआ है यहाँ, और ये रही लाश। ये क्या बदतमीजी? अरे मैं नरमी से बात कर रही हूँ, तुम गर्मी दिखा रहे हो। मैं प्यार की बात कर रही हूँ, तुम अकड़ते चले जा रहे हो। ये प्यार इश्क मोहब्बत बेकार लोगों के धंधे हैं। मेरा काम है लोगों को गिरफ्तार करना, प्यार करना नहीं, समझे? ए तो मुझे भी गिरफ्तार कर लो ना, प्यार की हथकड़ी लगा कर दिल के लॉकअप में कैद कर लो ना। होश में हो या चढ़ा के रही हो? वो तो तुमसे जिस दिन पहली मुलाकात हुई थी उसी दिन चढ़ गई थी। नहीं, पहले मुझे अपनी सुना दे दो। आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी नहीं, आज अभी नहीं। नहीं, ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, किसी रामायण में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है उसको हमेशा चलना चाहिए। हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है, जो हम हासिल करके रहेंगे, और इसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा। और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा। और जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ बेचैनी, खौफ का माहौल पैदा करना होगा। हर सूबे, हर शहर, हर गांव में कत्लोआम, डकैती, फसाद कराने होंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद, सिख और हिंदू फसाद, क्रिश्चियन हिंदू फसाद, मुस्लिम शिया सुन्नी फसाद। मतलब इतना कत्लो खून और गलत हो कि लोग घबरा जाएं, सरकार की कुछ समझ में ना आए और पुलिस कुछ ना कर पाए। और जब देश दहशत और जुल्म की आग में जल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकलकर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे, और साथ में जनता को एहसास दिलवाएंगे कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है। एक्सेलेंट आइडिया। और इसी आइडिया को कामयाब बनाने के लिए, मतलब खून बहाने के लिए, हमें पैसा पानी की तरह बहाना होगा। और इसीलिए आज मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और शहर के बड़े बड़े रईसों को दावत दी है। तो क्या इरादा है आप लोगों का? 50 लाख जमा हो जाए तो काफी है? फिलहाल तो काफी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा जमा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सियासत एक खेत की तरह है और सियासतदान एक किसान की तरह होता है। आज जितना बोगे कल उसका 1000 गुना पाओगे। आज अगर लाख लगाओगे तो कल करोड़ पाओगे। आज अगर करोड़ लगाओगे तो कल अरबों पा सकते हो। और अब सबसे पहले हमें ऐसे ताकतवर और जबरदस्त गैंग की जरूरत है जो पूरे राष्ट्र में हंगामा और फसाद फैला सके। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूं, उसके लीडर का नाम है अनिल राज। ये अनिल राज बेहद खतरनाक आदमी, उसने कितने खून किए कोई नहीं जानता, उसने कितने डाके डाले हैं उसे खुद ही याद नहीं। और खास बात यह है कि पुलिस को आज तक ये मालूम नहीं है कि ये अनिल राज कौन है, क्या करता है और उसका कोई गैंग है या नहीं। क्या नाम बताया तुमने? अनिल राज।